नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल सीईटी ग्रुप डी में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले आरोपी शातिर हैं। परीक्षा देने से पहले पकड़े ना जाएं, इसके लिए आधार कार्ड और एडमिट कार्ड पर लगी फोटो को बड़ी सफाई से हटा दिया गया। लेकिन परीक्षा देने में वो कामयाब भी हुए, लेकिन सरकार द्वारा ईजाद की गई नई तकनीक में वो फंस गए। दरअसल पुलिस ने रविवार को पकड़े गए फतेहाबाद के कुला निवासी संदीप और जिंद के दनोदा निवासी देवी प्रसन्न को अदालत में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया है। नांगलोई के गोपाल को एक दिन के रिमांड पर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश में छापा कार्रवाई जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कैंपस स्कूल में ग्रुप डी की परीक्षा के दौरान जिंद के हसनपुर निवासी प्रदीप के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़े गए आरोपी गोपाल सिंह ने शुरुआत में पुलिस को गुमराह किया। पकड़े जाने पर गोपाल ने अपना पता खेड़ी जालब बताया। जब आरोपी से गहनता से पूछताछ की गई तो सामने आया कि गोपाल नांगलोई का रहने वाला है। गोपाल और प्रदीप दोनों दोस्त हैं। कुछ समय पहले जींद में दोनों ने एक साथ कोचिंग ली थी। परीक्षा से पहले गोपाल ने कहा कि वो ग्रुप डी की परीक्षा पास करवा देता है तो इसकी एवज में करीब 4 लाख रुपये देने होंगे। बात सिरे चढ़ जाने पर गोपाल परीक्षा देने पहुंचा था। पुलिस ने आरोपी गोपाल को एक दिन के रिमांड पर लिया है। दरअसल पास होने के बाद पैसे मिलने थे और बात लाखों में हुई थी, तो ऐसे में जो है ये कार्रवाई और कड़ी की गई है। दरअसल आपको बता दें कि अब सवाल ये उठते हैं कि आरोपियों ने आधार कार्ड और एडमिट कार्ड पर अपने फ़ोटो कहाँ से लगवाए। सवाल ये भी उठते हैं कि बायोमेट्रिक हाज़िरी नहीं होती तो परीक्षार्थी आसानी से परीक्षा देकर चले भी जाते। साथ ही पुलिस की जांच का दायरा बढ़ा तो कई और चेहरे भी बेनकाब इस पर हो सकते हैं। देखिए, लोग बहुत मेहनत करते हैं परीक्षा को पास करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो तमाम तिगड़म भिड़ाते हैं और उसके बाद उस परीक्षा को पास कर देते हैं। हालाँकि इसको लेकर सरकार अब सतर्क भी है। ये कोई हरियाणा का ही मामला नहीं है, ऐसे तमाम अलग अलग राज्यों से मामले सामने आते हैं। लेकिन हाँ, इस पर अब कड़ी निगरानी रखी जा रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी अब एडवांस हो गई है और इस वे में एडवांस टेक्नोलॉजी में लोग इसके शिकंजे में आते जा रहे हैं और इन पर कार्रवाई होती जा रही है। फिलहाल आप इस कार्रवाई पर क्या कहेंगे, ज़रूर कॉमेंट में बताएँ।